समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचने वाले हैं। भागलपुर के गणेशपुर तिनपुलिया में मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिला प्रशासन की ओर से गणेशपुर तिनपुलिया में शिविर लगाकर मामले का निष्पादन किया जा रहा है। वहीं विभागों का स्टॉल लगाया गया है जहां लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। खेरीवान पंचायत में हम लोगों ने आज जन शिविर लगाया है और जैसा कि जानते हैं कि इसी बहाने इस गांव एक तरह से एक मॉडल गांव की तरह विकसित हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जितनी भी समस्याएं हम लोग उसका निष्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, जैसे पानी नहीं है या नाली नहीं बनी हुई है या सड़क कच्चा है कहीं या टूटा हुआ है, उन सभी समस्याओं का निष्पादन किया जा रहा है। सरकार आने वाले हैं, देखिए अभी भी कुछ निर्धारित नहीं है कि कहाँ पे होगा, बट इसी बहाने हम लोग कुछ गांव चयन कर लेंगे और उसी बहाने गांव में जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि फील्ड ये भी एक प्राथमिकता होती है कि सभी ऑफिसर्स फील्ड में रहें, तो इसी बहाने कुछ कुछ गांव जो चयन होंगे उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉडल गांव में वो तब्दील हो जाए। बिल्कुल, लेकिन आपको भी पता है कि रिसोर्सेज की कमी होती है, समय की अभाव होती है, इसलिए इस तरह का जब कैंप आयोजन होता है तो हम लोग चाहते हैं कि सभी पदाधिकारी आकर के इसका निष्पादन कर दें। भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में हंगामेदार सीनेट की बैठक के बीच 780 करोड़ 4 लाख 84 हजार 697 रुपए का बजट पेश किया गया। इस दौरान सदस्यों के द्वारा बजट में काफी त्रुटि दिखाई गई, जिस पर कुलपति ने सदन को आश्वासन दिया कि इसे संशोधित कर सरकार को भेजा जाएगा। वहीं आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर बैठक के पूर्व गांधी जी की मूर्ति पर सदस्यों के द्वारा पुष्पांजलि की गई। वहीं इस दौरान मंच के ठीक नीचे टेबल पर गांधी जी की फोटो रखे जाने का भी विरोध सदस्यों ने किया है, जिसके बाद गांधी जी की फोटो को उठाकर मंच पर रखा गया है। वहीं सीनियर सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा ने बजट में त्रुटि को लेकर बजट की कॉपी को महात्मा गांधी के चित्र के सामने रखकर उस पर पुष्पांजलि की और उसे ठीक कर पास करने की बात कही, जिसके बाद अन्य सदस्यों के द्वारा बजट की कॉपी को कुलपति को सौंप दिया गया, जिसके बाद फिर से विरोध कर रहे सदस्य को बजट की कॉपी दी गई। सीनेट की बैठक के दौरान विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, सेशन लेट होने सहित छात्र हितों को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। वहीं कुलपति ने कहा कि वो सारी चीजों को देख रहे हैं, जल्द ही सुधार किया जाएगा। वहीं उन्होंने बजट में त्रुटि को लेकर साफ तौर पर कहा कि त्रुटियों को दूर कर इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। त्रुटि होने के कई कारण हैं। त्रुटि होने का एक कारण तो ये होता है कि समय कम मिलता है और लोग कई सेक्शन से माने डाटा जो है ना वो लगता है पूर्णतः नहीं आ पाता है, जो मुझे लगता है। दूसरा जो कारण यह हो सकता है कि प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, तो इसी का भी जा करके लोग देख लेंगे ना कि क्या डाटा में कमी है या प्रिंटिंग में, इसको सुधार दिया जाए। लेट को लेकर भी काफी सेशन तो लेट है ही नहीं बंधु, ये लोग तो ऐसे बोलता है यार। अरे सेशन को मैं करेंट कर रहा हूँ, सेशन के लिए सारी मैं परीक्षाएं ले रहा हूँ, ये बिल्कुल निराधार है कि सेशन जो लेट है उसको इसी साल पूरा कर लेंगे, आपसे वादा रहा। ऑलरेडी हमने कोर्ट में लिख दिया, ऑलरेडी हमने राज्य सरकार को लिख दिया और ऑलरेडी हमने राजभवन को लिखा है सेशन को लेट तो नियमित करने के लिए कटिबद्ध वचनबद्ध। भागलपुर में एक अनोखी बीमारी पनप रही है। दरअसल विगत दिनों पूर्व चमकी बुखार का लक्षण देख एक बच्चे को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के सिन्हा के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सक ने इलाज के दौरान मरीज के काले रंग को देखते हुए एक अजीब सी बीमारी का अनुमान लगाया है। गौरतलब हो कि चिकित्सक आर के सिन्हा पूर्व में JLNMSCH के HOD रहे हैं और लंबे समय से शिशु रोग में बेहतर चिकित्सीय सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपने खर्च पर गोपालपुर निवासी रिंकू कुमार दास और उनकी पत्नी के 2.5 वर्षीय पुत्र लव कुमार के गहरे काले रंग के कारण उसकी जांच की, जहां जांच के बाद बच्चे को अजीब बीमारी होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को डॉक्टरी भाषा में कार्बन बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। डॉक्टर आर के सिन्हा के मुताबिक इस बीमारी में मेलानिन की कमी होने के कारण शरीर की पूरी त्वचा काली होने लगती है। साथ ही कहा कि यह एक दुर्लभ बीमारी है जो 10 लाख व्यक्तियों में से किसी 2 व्यक्ति को ही होता है। इसी को लेकर कहा कि कार्बन बेबी सिंड्रोम के 3 मरीज के ही अस्पताल में आए हैं, जिसमें 2 मरीज 10 वर्ष पूर्व आए थे। डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी में मेलानिन स्टिमुलेटिव हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। जांच काफी महंगा होने के कारण मरीज इसकी जांच कराने में सक्षम नहीं हो पाते, जिसको लेकर अभी तक इसे बचाव का तरीका पता नहीं चल पाया है। वहीं मरीज अब तक इस बीमारी से ग्रसित है कि नहीं उसको तो बरामद उसको
लेकिन वो जिसकी माँ थी बोली कि मेरा बच्चा गोरा पैदा हुआ था और 1.5 साल होते होते ये काला हो गया। तो हम लोग शंका कर रहे थे क्यों ऐसा हुआ, तो कोई डॉक्टर के यहाँ दिखलाने के लिए गया, 2-3 डॉक्टर के, लेकिन वो उसको बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो पैसा नहीं था उसके पास कि आगे बढ़ सके। इस बार जो मेरे पास आया वो भी इस बार भी वो काला रंग वाली बात नहीं कर रहा था, वो बोल रहा था कि इसका जो समस्या है चमकी का उसका इलाज कीजिए। तो इलाज तो किया, संतुष्ट हो गया, लेकिन वो रंग वाली बात जब मैंने उससे पूछा तब कहा कि हाँ ये भी मेरी चिंता का विषय है, लेकिन कोई डॉक्टर हमको बता नहीं पाया क्यों ऐसा है। हम लोग सोच रहे थे कि क्यों रंग ऐसा है, कोई और दिक्कत नहीं है, तो फिर चलो कभी इलाज करा लेंगे पैसा होगा तब। तो इस ढंग से वो शंका तो किया था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि उपयुक्त जगह में सही चिकित्सक यहाँ पहुँच सके। कार्बन बीबी जो है वो बच्चा गोरा पैदा होता है और उसका रंग काला होने लगता है धीरे धीरे, यही कार्बन बीबी है, जो कि चमड़े के में एक रंग होता है जिसका नाम मेलानिन है। मेलानिन के अत्यधिक मात्रा में होने के चलते ये रंग काला होने लगता है, जितना ज़्यादा मेलानिन बनता जाएगा उतना ज़्यादा काला होता जाएगा, जिसमें तालू तलहथी तलवा चमड़े के अलावे सारा काला हो जाता है, अलकतरा की तरह काला होने लगता है, और ये काला होते ही जाता है। लेकिन इस बीमारी का कारण का पता जब चल जाए कि किस कारण से है, तभी इसका सही उपचार संभव है। इस कारण के लिए जानकारी के लिए वो जांच दिया गया है, जिसमें मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जांच कराया गया है। वो जांच आ जाता है तो फिर इसका किस कारण से एक्सेस ज़्यादा बन रहा है मेलानिन ये पता चलेगा, तो फिर उसी के अनुसार उसकी दवा दी जाएगी, तो फिर ठीक हो सकता है। अभी तक कितने केसेस पाए गए? अभी तक विश्व में 3 केस रिपोर्ट हुआ है गूगल्स के कहने के अनुसार, और ये भारत से बाहर का है। भारत में पहला केस है, पहला नहीं, मेरे ही द्वारा 2013 में 2 केस भाई बहन का मैंने रिपोर्ट किया था। एक का नाम था छोटू कुमार और उसी की बहन थी कुमकुम, जो कि एक चारी का रहने वाला था रसलपुर गांव का। ये 2013 की बात है, और उसी के अभी हुआ इस महीने, पिछले महीने, विगत महीने में जो बच्चा मेरे पास आया, उस अनुभव के आधार पर मैंने इसको सस्पेक्ट किया, शंका किया कि शायद इसको भी वही बीमारी है, उसकी भी बीमारी है, और उसको तब जो है सो उसका हमने बीमारी का जांच किया, पकड़ में आया। इसका बचाव के लिए जब तक कारण किस कारण से बन रहा है मेलानिन ज़्यादा, उस कारण का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक उसका बचाव उसी ढंग से हम नहीं बता सकते हैं। अभी रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारा कारण के चलते ऐसा होता है, उन कारणों के आधार पर अलग अलग बीमारी, अलग अलग चीज़ का अलग अलग इलाज है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गांव से 19 जनवरी की शाम 13 वर्षीय आदर्श राज घर से बिस्कुट लाने के लिए निकला था और तब से गायब है, जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने थाने में इसकी सूचना दी, जिस पर थाने ने खोजबीन करने के लिए माता पिता को कहा और लगातार थाने के चक्कर लगाने के बाद 23 तारीख को पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन आज तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई है। वहीं बच्चे के माता पिता थाने से लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद आज पीड़ित कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचकर बच्चे की बरामदगी को लेकर गुहार लगाई, जिस पर विधायक ने थाना प्रभारी से बात कर बच्चे की जल्द बरामदगी करने को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बच्चे की बरामदगी के लिए वो वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। वहीं लापता बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर विधायक के पास पहुंची है। 19 तारीख रात में 8 बजे बच्चा निकल और बच्चा छोटा बिस्कुट भेजने वापस भैया नहीं ले नहीं हम सब रिलेशन भी पूर्ण कर लिए, और जो हमने ये अभी घर बने लिए हमारा 1 महीना मात्र जो गेला हो ले करेला बस्ती में
ऐसा घर कहाँ है? पहले हमारा नॉर्थ नगर में रह रही है भैया। विधायक महोदय से मिलने आए हैं, काफी आशा इनसे है क्योंकि हमारे बच्चे आदर्श राज क्लासिक से जो हम पढ़ते थे 19 तारीख को रात में 8 बजे घर से निकले थे और गायब हो गए। उसके बाद हम थाने में कंप्लेन भी दिए, रिपोर्ट 22 तारीख हमने किया, 23 को उन्होंने FIR लॉगिन किया, उसके बाद नॉर्मल बिहेवियर उन्होंने किया, उसके बाद कोई जवाब उनकी नहीं है, अभी तक कोई एक्टिविटीज़ उनका संतोषजनक नहीं है। फिर हमने DSP साहब को भी 24 को हमने एप्लीकेशन लिखा और 28 तारीख को हमने मेल किया DGP साहब को और SSP साहब को, DIG साहब को। आपकी दुखद घटना है कि आदर्श राज इनके बच्चे को सुबह रात में 8 बजे बिस्किट लाने के लिए दुकान जाता है और कोई लेके उसको गायब हो जाता है, और जब पुलिस के यहाँ जाती है तो 2 दिन तक तो FIR नहीं लिया जाता, 2 दिन के बाद FIR लिया गया तो लोग खोज रहे हैं। मैंने अभी थाना अध्यक्ष से बात भी किया है कि भाई इतना ढलमुल रवैया से तो बच्चे का माँ का देखिए बुला आ रहे रोते रोते, किसी का भी बच्चा हो, बच्चा जब खोता है गायब होता है तो उसकी हालत परिवार की क्या होती है आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर मैंने बात की और अभी SP साहब से ही बात करेंगे, DIG जी से बात करेंगे, सबको पत्र भी लिखेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी आप काम करिए ताकि ये बच्चा वापस आए और माँ बाप का जो है बच्चा उसको वापस मिले। निश्चित तौर पर पुलिस को पहले वो ध्यान देना चाहिए, जिसका बच्चा जाता है वही समझ सकता है क्या होता है। निश्चित तौर पर पुलिस का ढलमल रवैया रहा है, निश्चित तौर पर इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और बच्चे को खोज के निकालना पड़ेगा। बिहार में कानून का राज कहीं ना कहीं खत्म तो हुआ है? नहीं, कानून का राज मतलब नहीं, देखिए ये सब घटनाएं तो सब जगह होती रहती हैं। अब क्या ही मामला है, बच्चे तो छोटे थे, 6th क्लास सेंट जोसेफ में पढ़ते थे बेचारे लोग, गरीब लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे थे। निश्चित तौर पर ये कानून राज से मतलब नहीं है, निश्चित तौर पर बच्चा अगर कहीं गुम होता है पुलिस को उसके पीछे लग के तत्परता से उसको खोजना चाहिए और बच्चे को वापस देना चाहिए। भागलपुर विश्वविद्यालय के सुंदरवती महाविद्यालय में सीनेट की बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता कुलपति जवाहरलाल कर रहे थे। वहीं सभी सीनेट सदस्य बैठक के दौरान मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत होते ही जब सीनेट सदस्यों को बांस का छोटा पौधा देकर सम्मानित किया जा रहा था, इसी क्रम में खगड़िया विधायक रामवृष सदा के द्वारा बांस का पौधा दिए जाने का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि इसे वो लोग घास का पौधा मानते हैं और यह सीनेट सदस्यों को देकर एक तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन अपमानित कर रहा है, इसकी शिकायत वो राजभवन तक करेंगे। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऐसा छात्र संगठन के द्वारा बैठक के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। क्या आप सभी को पता है हमारे कई मुद्दे हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे में से अभी विश्वविद्यालय को पिछले बार भी सीनेट में हम लोगों ने ये सीनेट की बैठक में हमारी आवाज उठी थी और प्रत्येक जितने छात्र हैं SC ST छात्र छात्राएं हैं उनके नामांकन की निशुल्क व्यवस्था होनी थी और ये 4-5 साल पहले सरकार के द्वारा ये पास किया गया था। अब तक इस विश्वविद्यालय में एक भी SC ST छात्राओं का यहाँ पे निशुल्क एडमिशन नहीं हुआ है। हॉस्टल की क्या कितनी जर्जर स्थिति है, विश्वविद्यालय में कुलपति रहते नहीं हैं, हम लोग अगर मांग लेकर के जाते भी हैं तो कुलपति वहाँ पे नदारद हैं, कोई विश्वविद्यालय के अधिकारी कुलपति में मौजूद नहीं रहते हैं। हमारी कुलपति से इसी संबंध में मांग हम लोगों की थी लेकिन कि इस मुद्दों हम लोगों के मुद्दे को सुना जाए और उसका निराकरण किया जाए, लेकिन कुलपति कभी मिलते नहीं और सीनेट के बैठक में एक दिन के लिए आते हैं और बैठक करके वापस चले जाते हैं और बैठक में जब हम लोग मिलने के लिए आते हैं तो पुलिस के द्वारा हम लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो ऐसे कुलपति से हम लोग बैठे हुए हैं कि कुलपति को वापस आकर के हम लोग से वार्ता करे, नहीं तो इस्तीफा देकर के वापस चले जाए। का विरोध सीनेट का विरोध करने आए हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ छात्र हितों की बात ही नहीं होती है। कई हमारे सामने कई उदाहरण है कि सीनेट के पद को सिंडिकेट के पद को एवं प्रिंसिपल के पदों को बेचा जा रहा है और कुलपति यहाँ लूटने के लिए विश्वविद्यालय में आए हैं। यहाँ इन्होंने सिंडिकेट के बैठक में हम सभी से वादा किया था कि छात्र संघ के पैसे को सीनेट का बैठक होने से पहले उजागर कर दिया जाएगा, वो नहीं किया गया। सभी SC ST छात्रों एवं सभी छात्राओं का निशुल्क शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की जाएगी, अभी तक नहीं किया गया है। कुलपति का मानसिकता सीधा दर्शाता है, छात्र विरोधी है, लूटने आए हैं, खसोटने आए हैं। आज देख रहे हैं हम लोग शांतिपूर्ण विरोध करने आए हैं, लेकिन पुलिस या दमन से हम सभी को आवाज को दबाना चाह रही है, लेकिन हम लोग बिना बात किए जाएंगे नहीं। कुणाल
भागलपुर के जवारीपुर में ओकाया इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अधिकृत शोरूम की शुरुआत हुई। भागलपुर के शोरूम में ओकाया इलेक्ट्रिक वाहन अपने 5 मॉडलों के साथ लॉन्च किया गया। ओकाया कंपनी लगभग 40 वर्षों से कस्टमर सर्विस के क्षेत्र में बैटरी इन्वर्टर जो कि माइक्रोटेक के नाम से बनाती आ रही है। अब ओकाया इलेक्ट्रॉनिक ने व्हीकल की दुनिया में वर्ष 2001 से कदम रख दिया है और इसके प्रोडक्ट की सराहना भी हो रही है। ओकाया का शोरूम भागलपुर में सागर ग्रुप के माध्यम से सागर इंटरप्राइजेज के नाम से खोला गया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक बाइक वरदान साबित हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक की बात करें तो यह पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। वाहन खरीदने के लिए शोरूम में फाइनेंस की भी सुविधा रखी गई है। गाड़ी की शुरुआती कीमत 75,000 है और पहले 30 ग्राहकों को शोरूम की तरफ से उपहार भी दिया जाएगा। शोरूम के शुभारंभ पर भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा एवं समाज सेवी विजय कुमार यादव, पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी संतोष कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर ओकाया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल शोरूम का उद्घाटन किया गया। शोरूम संचालक कमलेश कुमार ने बताया कि ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए, आज ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम का उद्घाटन हुआ है भागलपुर सिल्क सिटी में। और सिल्क सिटी, जैसा कि हम लोग इसको धरोहर मानते हैं पूरे विश्व के रूप में, तो इसको संरक्षित करना, सुरक्षित रखना हमारा एक उद्देश्य है और कर्तव्य भी है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक वरदान साबित होगा, क्योंकि ये कोई भी प्रदूषण नहीं छोड़ता है और हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है और हमारा फ्यूचर, भविष्य में हमारे जो पीढ़ियाँ हैं उसके लिए एक शुद्ध वातावरण छोड़ के जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी धुआं नहीं छोड़ता है, इस तरह से हम लोग पर्यावरण को बचाते हैं। और हम लोग जो है इसका आज ओपनिंग कर रहे हैं, हमारे सेल्स मैनेजर हैं यहाँ ओकाया से, हमारे भाभी हैं, भैया हैं, सब लोग मिलकर करके इसको शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग जो है इसको अभी ऑफर चल रहा है, इसमें कोई भी फर्स्ट 30 कस्टमर्स के लिए हम लोग स्पेशल ऑफर दे रहे हैं और लगभग 2 गुना इसमें बैटरी पावर है। इसका भारतीय मौसम के अनुसार से बनाया गया, जो कि कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा, ना ही इसमें बारिश, कितना भी बारिश हो जाए आपको कभी रुकने वाला नहीं है। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को तो बचाता ही है। और इसका बैटरी को 3 साल का वारंटी, मोटर का वारंटी, इसके सभी पार्ट्स की वारंटी 3 साल के लिए कम्प्लीट वारंटी मिलता है। और ये पूरी तरह से भारतीय है। ओकाया जो कि बैटरी तो बनाती ही है, साथ में माइक्रोटेक इन्वर्टर के नाम से भी जानी जाती है, एक्शन शूज आता है इसका, इस तरह से अभी 2-व्हीलर में पहली बार आई है और एक पूरी तरह से भारतीय कंपनी है। भारत सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे लेकर के जाएं, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक बैटरी वाली गाड़ी पर 33,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है और 2 बैटरी वाली गाड़ी पर 66,000 की सब्सिडी मिलती है। और हम लोग का स्टार्टिंग रेंज 75,000 से शुरू है और 1,30,000 तक की ये गाड़ी आती है। अब तक क्या रिस्पॉन्स? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ये 70 किलोमीटर/आवर के हाई स्पीड से चलती है और एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 140 किलोमीटर तक चलती है। इन दिनों बिहार में बयानों का दौर जारी है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू के द्वारा कांग्रेसियों को अंग्रेजों की औलाद बताए जाने को लेकर एक बार फिर राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। बिहार विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भाजपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीरज कुमार बबलू बताएं कि वह किसकी औलाद है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि नीरज बबलू को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश को आजादी दिलाने से लेकर अब तक देश के हित के लिए काम किया है। अजीत शर्मा ने भाजपा नेता के इस बयान के लिए देश से माफी मांगने की भी सलाह दे डाली है। अंग्रेजों से आजाद कराने में सबसे अहम भूमिका कांग्रेसियों की रही है। भारतवर्ष आजाद कैसे हुआ उनको पता ही नहीं है। लगता है इतिहास की उनको जानकारी कम है, कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने कह दिया कि सब अंग्रेजों के औलाद हैं। औलाद तो होता है जो माँ बाप पैदा करते हैं, वो औलाद होते हैं। आप पता नहीं वो किसके औलाद है, वो तो वो बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस को पता ही नहीं है कुछ संविधान का। संविधान बनाया किसने? भारतवर्ष को आज़ाद किसने कराया? उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहीं दिख रहे थे क्या भारतवर्ष को आज़ाद कराने में? अरे आप क्या बोल रहे, सूरज को आईना दिखाने की बात करते हो आप और कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, देश के लिए उसका संकल्प है, सभी जाति धर्म को लेकर एक साथ चलने का संकल्प है। आप कांग्रेस को आईना मत दिखाइए, आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को, मतलब सूरज को आईना दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो लेते हैं बयान को वापस लीजिए। कोई कांग्रेसी अंग्रेज का औलाद नहीं है,
हर कोई अपने माँ बाप का औलाद और देश का नागरिक है, इसको उनको वापस लेना होगा और देशवासियों से क्षमा मांगना होगा। भाजपा जदयू के साथ भविष्य में कभी गठबंधन नहीं करेगी। भाजपा नेताओं के इस बयान के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता की चिंता नहीं है, महंगाई रोजगार की चिंता नहीं है, भाजपा को चिंता ये है कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। जरूरत के हिसाब से एक पार्टी दूसरे पार्टी में जाती है, भाजपा से कौन पूछ रहा है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब जनता को बरगलाने की बात है। 2024 में बिहार में 40 सीटें महागठबंधन की होगी। देश में एकता और अखंडता चाहते हैं तो सभी राजनीतिक दल को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। कुछ लग रहा है ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में है, उनको ये जनता की कोई चिंता नहीं है। रोजगार कैसे युवकों को मिले उसको कोई चिंता नहीं है, महंगाई कैसे रोकी जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। उनको क्या चिंता है बिहार में, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अरे ये तो लोकतंत्र में जरूरत के हिसाब से एक पार्टी दूसरे पार्टी को साथ देती है विकास के नाम पर। आप नहीं जाएंगे जनता के लिए कोई इशू है, इशू तो जो उस पर बात करिए ना भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। और आप नहीं जाएंगे, आपसे पूछ कौन रहा है कि आप आइए कि नहीं आइएगा, जब आपको पूछेगा तब ना बोलिए कि हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। इसलिए ये सब तो जनता को बरगलाने की बात है, इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई बिहार का विकास नहीं होने वाला है, जनता सब समझ रही है। और इन्होंने कहा कि 2024 की बात भी कर रहे थे, मैंने सुना था 2024 में राष्ट्रीय कांग्रेस जो पदयात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं सारा आकर्षित है, और सरकार बिहार में लोकसभा में 40 का 40 सीट हम लोग महागठबंधन जीतेंगे। नीतीश कुमार बोले हैं कि कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान जात समुदाय के नाम पर बांटने का काम कर, निश्चित तौर पर जो चाहते हैं कि देश एक रहे, देश में एकता प्रेम भाईचारा सद्भाव बना रहे, निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल को कांग्रेस के साथ देना चाहिए। भागलपुर के घोगा में सरस्वती नाट्य कला मंदिर घोगा बाजार द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय 4 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता के अंतिम दिन 32 जोड़ी पहलवानों ने अखाड़े पर अपना दाव आजमाया। पठानकोट के शिवनंदन पहलवान ने वाराणसी के राजन पहलवान को पटकनी देकर दंगल के विजेता बने। विजेता को भागलपुर सांसद अजय मंडल ने 9100 रुपये से पुरस्कृत किया। वाराणसी के राजन ने पठानकोट के बब्बी पहलवान को पटकनी देकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्हें निर्णायक मंडल के बबलू यादव ने 7100 रुपये से पुरस्कृत किया। वहीं मुगलसराय के सुरेंद्र पहलवान ने चावोली के मुलायम पहलवान को पटकनी देकर तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्हें अमडंडा मुखिया भवेश मंडल ने 6100 रुपये से पुरस्कृत किया है। दंगल के निर्णायक मंडली में पंकज द्विवेदी, अजीत कुमार पप्पू, लक्ष्मण यादव, गोपाल दुबे मौजूद थे। कमेटी के अध्यक्ष ब्रह्मेंद्र नारायण दुबे ने बताया कि हर साल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जहां देश के अलग अलग राज्यों से पहलवान पहुंचकर अपना दम दिखाते हैं। सबसे पहले मैं इस घोगा के जो कुश्ती का जो आयोजन किया गया था, इसमें सब आयोजनकर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बिहार समेत राज्य देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी पहलवानों का जो कुश्ती लड़ने के लिए आए हुए थे, सभी लोगों का मैं अपने इस भागलपुर की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो विजेता टीम है उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इस खेल के प्रति जो युवाओं का जोश मतलब देखने को बन रहा है, और सरकार से भी अपील करूंगा कि खेल के प्रति आप इस पर आकर्षित हो, इस पर ध्यान दें, इस पर जो सुविधा प्रदान करें, ताकि खेल के प्रति जो है ये आगे बढ़े। आज युवाओं का जो है मतलब जो सोच होती है खेल के प्रति, कुश्ती में जो आने का जो हमारे पारंपरिक खेल होता है हमारे देश का, उसमें जो लोग युवा आगे बढ़ेगा, ये सरकार से भी आग्रह करूंगा। भागलपुर में आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल कोतवाली के हड़िया पट्टी स्थित कन्हैया ट्रेडर्स मसाला के दुकान में अचानक आग लग गई। इसके बाद धू कर दुकान के अंदर रखे सामान जलकर खाक हो गए। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान मालिक के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 लाख के सामानों का नुकसान हुआ है। गली संकरी होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में तिलकामांझी स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया तथा 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात शहीद तिलकामांझी स्मारक से कचहरी चौक तक गांधी संकल्प पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। पदयात्रा में महामंत्री प्रवीण कुमार तिवारी, मंटू यादव, डॉक्टर आरिफ आजाद, डॉक्टर विश्वजीत कुमार, सचिव उपेंद्र के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।